जीजा के यहाँ रह रही पत्नी की आकस्मिक मौत, गांव के बाहर जंगल में किया अंतिम संस्कार, पति और मायके वालों को नहीं दी जानकारी, मामला संदिग्ध। शिवपुरी खबर एसपी ऑफिस से है, जहां आज डबरा के रहने वाले एक युवक ने एसपी से अपनी पत्नी की मौत की जांच की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार रवि पुत्र गजराज आदिवासी निवासी डबरा ने बताया कि उसकी पत्नी सीमा पुत्री रामसेवक आदिवासी निवासी डबरा करीब 6 से 7 महीने से अपने दूर के जीजा अंतु आदिवासी पुत्र हल्के आदिवासी निवासी ग्राम थरखेड़ा थाना अमोला के पास रह रही थी। तभी रिश्तेदारों से जानकारी लगी कि उसकी पत्नी की मौत 28 मई 2024 को हो गई है एवं उसका अंतिम संस्कार भी गांव के बाहर कर दिया गया। अंतिम संस्कार में दूर के जीजा के ही लोग शामिल हुए और गांव के बाहर जंगल में अंतिम संस्कार किया गया। युवक ने बताया कि उसकी मौसी की बात उसकी पत्नी से हुई थी, लेकिन उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, ना ही उसे उसकी पत्नी की मौत की जानकारी दी गई, ना ही मायके वालों को इसकी जानकारी दी गई। पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। युवक ने बताया कि अगर पत्नी बीमार होती तो किसी डॉक्टर से तो इलाज कराया होता। ऐसी कई बातें हैं जो पति ने एसपी से शिकायत करते हुए बताई। वहीं एसपी से पति ने अपनी पत्नी की मौत की जाँच की मांग की है और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। कहाँ से आई हो? डबरा से। कौन सा आदिवासी? अच्छा, क्या मामला है, यहाँ पे क्यों आए हो आप? इसलिए आ रहा है, कोनो थाना कोर्ट कचहरी कोनो नहीं सर रहा सर हमारी। क्या नहीं सुनवाई हो रही? कुछ नहीं हो रही कि उसके जीजा ने हत्या कर दी कि मर गई। मेरी देवरानी की सीमा की। क्या नाम? सीमा। हाँ, तुम्हारी देवरानी? जी हाँ। तो जीजा ने क्यों मार दी? हमें ये मालूम नहीं चला दिया सर किस लिए मार दी किस लिए नहीं मारी। अच्छा, सीमा कहाँ पे थी? सीमा उसके जीजा के पास थी। कौन से गाँव में? खेड़ा। खेड़ा थरखेड़ा। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे कितने दिन से थी वो? 6-7 दिन से थी। अच्छा, 6-7 दिन में मर गई वो? हाँ। कैसे मरी? वो हमें 30 तारीख से पहले फोन लगाया कि हम 30 तारीख को आ रहे। अच्छा, वो कितनी तारीख को आई थी अपनी जीजा के यहाँ? तारीख तो सर मालूम नहीं है, गरीब आदमी इतनी ध्यान नहीं रखते हैं तारीख का। अच्छा, मरी कितनी तारीख को थी वो? 27 तारीख को। तो आपको बताया उन्होंने? नहीं बताया। क्यों? हमें कहा मालूम की नहीं बताया, ना हमको मिट्टी मिली ना कोई सबूत मिला। तो उनके मायके वालों को तो बताया होगा? ना मायके वाले को बताया, उनके कक्का बाबन थे उनको बताया था कि आपकी लड़की मर गई है उसको ले जाओ, लेकिन सासरी वाला ने जो मायके वाले खास थे उनको नहीं बताया। अच्छा, फिर अंतिम संस्कार किसने किया? लड़की उसी की जीजा ने। जीजा ने किया? क्या नाम? हाँ। है जीजा का? अंतु। अंतु जी हाँ। तो जीजा क्या क्यों आई थी? जीजा की थे रिश्तेदारी के लिए आई थी सर, वैसी रहने के लिए। जी हाँ। तो क्या तुम लोग फिर आई नहीं उसको लेने के लिए? लेने के लिए पहले मैं आई सर, मेरे साथ नहीं भेजी गया। हाँ। फिर मेरे देवर के साथ। क्या नाम है देवर का? रवि। रवि के साथ? उसका पति? हाँ। सीमा का? जी हाँ। हाँ, वो आया उसके वो साथ? वो आया, नहीं भेजा, लड़का लड़की वो लेके चला गया, कहीं मैं 2-4 दिन बाद आ जाऊंगी, फिर वो आई नहीं। अच्छा, तब तक मौत हो गई? तब तक मौत हो गई। तो पुलिस ने कार्रवाई तो की होगी उसमें? कुछ नहीं की। पुलिस को सूचना थी उस बात की? पुलिस को कोई सूचना नहीं थी सर, कोई सूचना नहीं। नहीं तो आप लोग गए थे थाने पे, तो क्या कहा आपसे? थाने में गए, कई उसकी वैसे मित्रु हो गई, एक दिन हमें बुखार आया और मित्रु हो गई। मित्रु हो गई तो हमें तो बताइए थे हैं किस कारण हुई किस कारण नहीं, कि हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी आपकी, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम बताएंगे। उस उनने कुछ नहीं बताया हमें। तो अब यहाँ पे क्यों आए हो एसपीओ के साथ? क्योंकि इंसाफ चाहिए हमको। थाने पे सुनवाई नहीं हुई इसलिए आए हो? हाँ।